स्वच्छता ही सेवा अभियान का मजाक उड़ाते दिखाई दिए शहर के नेतागण। साफ सुथरे रास्तों में 3 फीट की झाड़ू हाथ में लेकर सिर्फ फोटो खिंचाते नजर आए पूर्व नगर सेवक, पूर्व विधायक और अधिकारी। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2,500 करोड़ खर्च कर स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत घर घर जन जागृति फैलाने की जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। पहला विषय है स्वच्छता। पिछले 9 सालों में स्वच्छ भारत एक बड़ा अभियान बना, सभी ने अपना योगदान दिया। बच्चों ने इसमें एक इमोशनल पावर ला दी, सेलिब्रिटीज ने इसको ऊंचाई दी, जन जन ने इसको भारत के कोने कोने में एक मिशन बना। वहीं मीरा भाईंदर, शहर के स्वच्छता अभियान बीजेपी नेताओं और पालिका कर्मचारियों द्वारा पहले से ही साफ सुथरी सड़कों और गलियों में झाड़ू पकड़ वीडियो और फोटो खिंचाने तक सीमित रही। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की भारत की जनता व शासन व प्रशासन से स्वच्छता ही सेवा मुहिम के अंतर्गत अपने अपने शहर और परिसर को स्वच्छ करने का आह्वान किया। जहां एक तरफ आम जनता ने स्वच्छता ही सेवा अभियान को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए पूरे तन मन से शहर की गलियों से होते हुए मैंग्रोव इलाके में साफ सफाई और जनता को पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। नमस्ते, मेरा नाम आशीष शर्मा है और मैं NH इंग्लिश अकेडमी स्कूल में पढ़ता हूँ। वैसे हम यहाँ पर स्वच्छता की रैली के लिए आए हैं। हम स्वच्छता अभियान पर हैं जो गांधी जी द्वारा शुरुआत की गई थी। अब हम इस स्वच्छता को और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। हम हर जगह रहेंगे और जो फ्रॉम क्लास 10th वी आर हियर फॉर दिस स्वच्छता अभियान। वी हैव स्टार्टेड दिस, इट वाज स्टार्टेड अर्लियर बाय गांधी जी एंड वी हैव सीन हियर मेनी डिजीजेस कॉज ड्यू टू क्लीनलीनेस। द रोड्स आर नॉट क्लीन, सो क्लीनिंग इट मेक्स अस मोर हेल्दी। इट विल प्रोवाइड अस मेनी बेनिफिट्स ऑल्सो क्लीनिंग द Cleaning our country is our duty। वहीं नेताओं द्वारा मूर्खतापूर्ण रवैया सोशल मीडिया पर हास्य का प्रतीक बन गया है। वहीं शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही स्वच्छता ही सेवा अभियान को जरा सा भी महत्व नहीं दिया। साफ सफाई के नाम पर पूरे दिन शहर में यहाँ वहाँ घूम के चमकेश गिरी की गई और फोटोबाजी कर प्रधानमंत्री के सपने का मजाक बनाया गया। सबसे पहले तो मैं मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनके नेतृत्व में स्वच्छता अभियान पूरे देश में मनाया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि जिस तरह की स्वच्छता अभियान हम मना रहे हैं वो एक दिन का ना होते हुए अपने घर के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने शहर के अंदर जितना सहयोग हफ्ते में, महीने में आप दे सके तो बहुत ही मजा आएगा। क्योंकि मैं कहता हूँ कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक एक करके एक एक नागरिक अगर हम बूंद बूंद अगर दे सफाई के योगदान में तो ये शहर, ये देश, ये राज्य पूरी तरह से स्वच्छ होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। पर हमने देखा है कि लोग, नेता लोग जो है फोटो कॉपी के लिए उतरते हैं या वो फोटो शूट के लिए उतरते हैं, क्या कहेंगे उन नेताओं के लिए? मैंने अभी तक, मेरी नज़र में ऐसा कुछ आया नहीं है। फिर भी अगर आपकी नज़र में ऐसा कुछ आया है तो मुझे, मैं आपसे अनुरोध करूंगा मुझे भी दिखाए और मैं उनको भी एक ज्ञान दूंगा कि जिस तरीके से अगर स्वच्छता साफ अभियान करना है तो अपने दिल से कीजिएगा, दिल से जुड़िएगा और कोई भी काम भी अगर दिल से किया हुआ हमेशा पूरा होता और अच्छा होता। बात तो सही है। फिलहाल अभी हम लोग प्रतिनिधि नहीं है और हाँ, हमने जो जगह चुनी वो बेकुदा, जो आप देख सकते हो कि जिस तरीके से मिरौड़ में था, भाईंदर वेस्ट में था, जहाँ पे कचरा था और हमने कोशिश की कि हमारी तरफ से जितना सहयोग हो सके, हमने जितना हो सके उतना सहयोग करने की और देने की बहुत पूरी की पूरी कोशिश की। देखिए, मैं जनता से अपील करता हूँ कि ये जो स्वच्छता, ये जो है वो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें हमारा परिसर साफ रखना चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रहा है। साथ ही के अंदर जो सार्वजनिक स्थानों को के ऊपर जो पान खा के हमारे नागरिक थूकते हैं उस पर भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध होना चाहिए। क्या क्या बात कर रहे हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मीरा भाईंदर शहरवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं कि हमारा देश स्वच्छ हो सकता है। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। स्वयं झाड़ू हाथ में लेके इस रास्ते पे उतरे और इस अभियान की शुरुआत की। लगातार आम आदमी, चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हो, गांव में रहने वाला हो, खेड में रहने वाला हो, बिल्डिंग में रहने वाला हो, महल में, हर आदमी उनके साथ इस अभियान में जुड़ा और आज हम देख रहे हैं कि हमारा देश दिन ब दिन स्वच्छ होते जा रहा है। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हमने भी सोचा करेंगे,
तो इधर से अपन भी चालू हो जाएंगे। अपना मूड खराब कर दिया। माननीय हमारे पीएम सर नरेंद्र मोदी जी ने और केंद्र सरकार की तरफ से ये आह्वान प्रशासन को भी दिया गया है कि 1 तारीख 1 घंटा श्रमदान का ये जो है वो आपको करना है। और माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, उन्होंने जो आह्वान किया है उस आह्वान को हमारा ये प्रतिसाद है कि हम आपके एक आह्वान पे सभी लोग तैयार है हमारे शहर को स्वच्छ करने के लिए। और इसी तरह जब हर शहर स्वच्छ होगा तो भारत हमारा पूर्ण स्वच्छ हो जाएगा। यहाँ आप बीजेपी के समर्थन में आई हैं? हाँ। अच्छा, बीजेपी में आपको कौन पसंद है? है? बीजेपी में कौन पसंद है? देंगे तो हम लोग बहुत झाड़ू है छाप को। तो लोगों में जागरूकता आई कि हमें ये स्वच्छता करनी है। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, पहले हाथ में झाड़ू लेते हुए शर्म आती थी, आज बदल गया है। हम झाड़ू के साथ सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, उसको अपलोड कर रहे हैं और गर्व के साथ झाड़ू ले रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।